इंतजार था प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचने का, और यहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप तस्वीर देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल यहां देखिए राष्ट्रगान हो रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। यह आपको सभी सतर्क मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे राष्ट्रगान के सम्मान में सभी खड़े हैं। और राष्ट्रगान के समापन के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह भी यहां पर उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ये धर्मगुरु आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से भी विशेष तौर पर आमंत्रित हैं, और इसके अलावा भी अलग अलग हिस्सों से यहां पर धर्मगुरु पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम मेहमान अपना आसन ग्रहण करते हुए, और अब थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह की जो औपचारिकता है वो शुरू हो जाएंगी। जीत बड़ी शपथ की ये शुभ घड़ी, और इसके बाद मोहन राज का आगाज हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। मैं प्रणाम करती हूं एवं आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आपका अभिनंदन करती हूं। और अब मैं शपथ ग्रहण की आगामी कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव मध्य प्रदेश श्रीमती वीरा राणा को मंच हस्तांतरित करती हूं। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ महोदय नियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बहुत धन्यवाद। उनसे मिलूं कि आपसे प्रणाम करूं, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव को शपथ ग्रहण करने के बाद सभी बधाई देते हुए राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब दो उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उसके बाद राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है, नारेबाजी भी वहां पर समय समय पर सुनाई दे रही है और चुनाव से पहले नारा भी दिया गया था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और इसीलिए प्रधानमंत्री की नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजन शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संभव निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ले ली है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल ने शपथ ले ली है। यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की ये शपथ की औपचारिकता है अब पूरी कर रहे हैं राज्यपाल के दस्तखत, तो उसके बाद बधाई देखिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए राजेंद्र शुक्ल यहाँ पर, और जैसे ही कार्यकर्ताओं का जोश देके रह रहकर वहां से पीछे से नारेबाजियां हो रही। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सभी लोग, तो शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से एमपी में मोहन राज की शुरुआत, और एक बार फिर समापन के समय राष्ट्रगीत। बड़ी खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ले ली है, और साथ में दो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने भी शपथ ले ली है, और इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह के समापन की घोषणा वहां पर हुई, और समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ, समारोह का समापन भी राष्ट्रगान के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं का इस बीच देखते ही बना, लगातार मोदी मोदी को लेकर नारे भी लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, समापन समारोह, अब यहां पर समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब यहां पर समाप्त हुआ। भव्य तस्वीरें, बड़ी खबर,